गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच में मैं एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आई हूं और वो फिर से दर्शाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी सरकार चला रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी अन्याय के साथ खड़े हैं। न्याय के साथ उनका दूरों तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और अब ये साबित हो जाता है कि ये जो सरकार है, ना गरीबों की, ना किसानों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ये सरकार है सिर्फ सूट बूट वालों की। इतिहास के पन्नों पे मुझे दो ऐसे नाम याद आते हैं जिन्होंने अपने ही राज्य में पूरा अपने राज को मिटाने का काम किया हो। आप सभी ने वो मुहावरा सुना होगा, नीरो वॉज बर्निंग, नीरो वॉज फिडलिंग वाइल रोम वॉज बर्निंग। और दूसरा, जिस तरीके से तुगलकी फरमान चलते तुगलक ने सिर्फ करेंसी ही नहीं बदली थी, उन्होंने अपने पूरे शासन में अपने पूरे कैपिटल को बदलकर जिस तरीके से बंटाधार किया था, उन दोनों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक और नीरो का अगर कोई मिश्रण करता है, वो सिर्फ एक इंसान है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब से हमने न्यूनतम आय योजना की घोषणा की है, आए दिन उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये एक इलेक्शन गिमिक है। ये तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने कहा जुमले, ये सारे जुमले तो हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं, ये तो हमने सिर्फ जुमले दिए थे सरकार बनाने के लिए, जिनकी सोच और मानसिकता ही ये हो, बाकी सभी को जब न्याय की बात होती है उनको जुमला ही लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने शासन की कोई बात नहीं की, देश के राशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने न्याय विरोधी बात की। तो हम पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से फिर से कि आप न्याय के साथ हैं या न्याय के खिलाफ हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है जो दिखा रही है किस तरीके से मनरेगा में, और जो मनरेगा में नौकरी ढूंढ रहे हैं वो 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे आज पहुंचा है। और देश का दुर्भाग्य यह है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार बनी बैठी है जो मनरेगा के अंतर्गत जो वेतन मिलना चाहिए वो सिर्फ 2.1% बढ़ाया गया है। कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आज लोग वहां पर गांवों में मनरेगा के अंतर्गत नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये सरकार, गरीब विरोधी सरकार, 6 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में कितना उनका वेतन बढ़ा रही है? शून्य, शून्य। और बाकी 15 राज्यों में देखिए कितनी दिलदारी है गरीबों के लिए, उनके मन में 1 रुपये और 5 रुपये, इतनी दिलदारी तो कोई नरेंद्र मोदी जी से सीखे कि सूट बूट वालों के लाखों करोड़ों आप राइट ऑफ कर देते हैं, साइन ऑफ कर देते हैं, ये सूट बूट वाले, इनके छोटे मोदी जी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। और जब तक वहां पे पता नहीं चला मीडिया के जरिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब तक वो ऐशो आराम की जिंदगी 17,000 पाउंड के घर में रह रहे थे। और ये क्या दर्शाता है? मनरेगा में इतनी बढ़ोतरी, लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, क्या दर्शाता है? वो दिखाता है किस तरीके से जो गांवों में आपदा आई पड़ी है, उनके हित की बात नहीं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और जिस तरीके से माहौल है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, उसका संज्ञान ना लेते हुए ये सरकार अपने खुद के प्रचार में लगी पड़ी हुई है।
10% इजाफा हो जाना दिखाता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी का गरीबों पे जो आतंक फैलाया हुआ है बढ़ता जा रहा है। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी, जो एनएसएसओ का सर्वे बकायदा बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पुरुषों को लेकर गरीब गांवों में, रूरल एरियाज में, वो 5.8% है। वर्कफोर्स जो है घटती जा रही है, और 4.7 करोड़ का जो जॉब लॉस हुए हैं इन क्षेत्रों में, वो दिखाता है किस तरीके से आज गांवों में रह रहे लोगों का ध्यान नहीं दिया जाता। हैरानी की बात और होती है मुझे भाई और बहनों इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के चलते ये जिन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे ये कहा था कि ये जीता जागता सबूत है यूपीए की सरकार की नाकामयाबी का, उन्होंने बजट आउटले तो बढ़ाया पर उसके अंतर्गत उनके पेमेंट समय पर नहीं जा रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और एक पैनल, बकायदा एक पैनल बना जो मोदी सरकार जी ने उसको भी खारिज किया, महेंद्र देव पैनल था, महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो स्टेट एग्रीकल्चर इंडेक्स है, मिनिमम वेजेस हैं, उसके आधार पर ये मनरेगा के वेजेस तय होने चाहिए। ये जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट जाती है, महेंद्र देव पैनल की रिपोर्ट जाती है, वो उसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में, इमीडिएटली कूड़ेदान में फेंक देते हैं कि अगर 4.5 करोड़ और खर्च करना पड़ा देश की गरीब जनता के लिए या देश की गांवों की जनता के लिए, तो हम कैसे सरकार, हम ऐसी सरकार हैं, निर्दयी सरकार हैं, हम कैसे हम 4.5 करोड़ दे दें, वो हमारे सूट बूट वालों के खिलाफ चलता है। तो सीधा उसको कूड़ेदान में डालकर एडिशनल सेक्रेटरी नागेश सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ने उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको ये काम करना है। नागेश सिंह एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं कि ये इसको जो मिनिमम वेजेस हैं, मनरेगा के वेजेस हैं, आप उसको सीपीआई रूरल के हिसाब से आप उसको तय करें, उस पर जो खर्चा होता वो करीब 2500 करोड़ होता, 4.5 से 2500 करोड़। आपने मिनिमम वेजेस से, स्टेट मिनिमम वेजेस से चेंज कर आपने सीपीआई रूरल के हिसाब से कर दिया इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, तो सरकार फिर से क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीधा उस पे रिपोर्ट को फिर से कूड़ेदान में डाल देती है। तो आज जो दो रिपोर्ट जो आपको बकायदा बता रही हैं कि जो वेजेस उनके तय होने चाहिए वो मिनिमम वेजेस के आधार पे नहीं है, ना ही वो सीपीआई के आधार पे है, सीपीआई रूरल जहां पे आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे, दिखाता है कितनी गरीब विरोधी मानसिकता इस पूरी सरकार की रही है और आने वाले समय में दिख रहा है कि प्रचार में आप व्यस्त हैं, अपनी गुणगान में व्यस्त हैं, सरकार बनाकर मस्त हैं और हमारी गरीब जनता, गांवों की जनता त्रस्त है। तो हम सरकार से यही पूछना चाहेंगे कि आज आप हमारे जो गांव में रह रहे लोग हैं जो सूखा से प्रभावित हैं, 40%, एक और रिपोर्ट आ रही है जो दिखा रही है 40% से ज्यादा जो गांव के इलाके हैं वो सूखे से प्रभावित हैं, उसके चलते वो मनरेगा की तरफ, उम्मीद की तरफ जा रहे हैं कि उनको किसी तरीके का वेतन मिल पाएगा, अब उसको भी खत्म करने में लगे हैं। पर मोदी जी, मैं एक बात कहूंगी कि आप कितनी भी गरीब विरोधी काम कर लें, गरीब विरोधी सोच रख लें, जब देश का वोटर वोट करने जाएगा वो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर कि किस तरीके से 5200 करोड़ का आप प्रचार करते हैं, 4.5 करोड़ जो गांव में उम्मीद से देख रहे हैं कि आप देंगे, वो देने में आप नाकामयाब रहते हैं तो वो वोट आपके खिलाफ डालेगा और ये जनता, इस देश की जनता तय करेगी। और समय कम है और मोदी जी जाने वाले हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जाते जाते सच्चाई का आईना देखेंगे और सच का सामना कर पाएंगे। आपके मन में कोई सवाल हो इस बात को लेकर
मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगी, पहले इस मुद्दे को लेकर दूंगी, फिर बाकी कोई और मुद्दा हो उसका भी मैं जवाब दूंगी। धन्यवाद। मिस्टर नरेंद्र मोदी केम ऑन द बैक ऑफ प्रॉमिसेस एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉमिसेस विद रिगार्ड्स टू रूरल वेजेस, फार्मर इनकम्स, इंश्योरिंग दैट फार्मर्स गॉट द सो कॉल्ड ड्यू दैट दे डिजर्व्ड। But ever since Mr. Modi has come into power, we have seen how he has waged a war on their own people, people living in their villages, people depending on farmer income, people depending on their livelihood coming from the rural economy. We have seen how Mr. Narendra Modi has catered to the whims and fancies of his suited booted friends and totally ignored the demands and the hopes that the rural villagers and people living in rural areas had of him. We have continuously seen, and an NSSO data reveals, how the labor force is contracting. Over 4.3 crore labor force has contracted in as many years of his being in power. We have seen how rural unemployment, male unemployment, is at a 5.8% high, a 45-year high. We have seen how women face the brunt of unemployment. And yet we see a Prime Minister who continues to mock policies such as MNREGA, which has created a strong backbone for India's rural economy. He continues to mock something as good as NYAY, which is working towards eradicating poverty from the face of this country. He speaks about himself, he speaks about his glorious tenure. I would call it the most infamous tenure, coming at the back of promises. At today, the MNREGA, people seeking employment under MNREGA, is at a 10-year high. The wages that you have decided to give to them is a mere 2.1% increase from what they seek. In 6 states and union territories, you have just not increased a single paisa to those seeking employment under MNREGA. In other places, in other 15 states, you've increased it by paltry amount of 1 rupee and 5 rupees. There was a Mahendra Dev panel which categorically stated that their incomes have to be adjusted as per the state minimum wages, agriculture wages, because it would add an extra burden of 4,500 crores. The finance ministry quickly junked that report. And because there was a pressure from the Supreme Court, they created another panel under Mr. Nagesh Singh, who is an additional secretary. What he recommended was that the wages should be adjusted as per the CPI rural, which is keeping the inflation in mind. The wages should be decided on the basis of that. The government of India, especially the finance ministry, again ignores that, chucks that report again into the dustbin, because that would mean an additional burden of some 2,500 crores. So I ask Mr. Narendra Modi, while you spend 5,200 crores upwards for your own publicity, while you're busy signing off loans of your suited booted friends worth crores and crores, lakhs and crores of rupees, why is it that you cannot live up to the promises that you made to the people living in rural areas? How much are they going to suffer because of your anti-poor policies?